नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी पे। मित्रों, आज हम जानेंगे सिंगल फेस स्टार्टर का, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, हमिंग करता है। चालू करने पे मोटर चलता तो है लेकिन आवाज़ बहुत करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे भी। मित्रों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन मिस्त्री आता है हमारे घर पर, इलेक्ट्रिशियन, वो बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं स्टार्टर है हमारा, अभी हम आपको इसको चेक करके दिखाएंगे। अभी इसको चालू करने पे आवाज़ करेगा, हमिंग करेगा। मित्रों, इसको हम अभी खोलेंगे। खोलने के बाद देख रहे हैं आप, कॉन्टेक्टर यही आवाज़ करता है। मित्रों, कॉन्टेक्टर हमने खोल लिया है पहले ही। कॉन्टेक्टर को खोलने के बाद हम पीछे से जो चार स्क्रू आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको खोलना है। इसको बारी बारी से हम खोलेंगे चारों। खोलने के बाद देख पा रहे हैं आप, हम तीन नट खोल दिए हैं, एक नट पे से क्रॉस कर देंगे क्योंकि मुझे एक बैठाना भी नहीं पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा। अब इसमें साफ जो करना है, आप देख पा रहे हैं ये जो पत्ती से बना हुआ कॉयल है, देख पा रहे हैं कितना जंग लग गया है, यही ख़राब है, इसी को साफ़ करना है। इसी में डस्ट आने के कारण, गंदगी आने के कारण हमिंग करता है। अभी हम इसको साफ़ करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो ज़रूरतमंद को शेयर भी करें। दोस्तों, देख पा रहे हैं ये कॉयल, इसको भी हमको निकाल के साफ़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमको इसको ऊपर से खोलना पड़ेगा। ये देख रहे हैं दो नट है कॉन्टेक्टर के ऊपर, इसको खोल देना है। खोलने के बाद अभी हमारे पास ये जो तीनों पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, ये थ्री फोल्ड कॉन्टेक्टर है, इसको हम थ्री फोल्ड कॉन्टेक्टर कहते हैं। देख पा रहे हैं अभी हमने निकाल रखा है, इसमें स्प्रिंग छटकाना पड़ता है। आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है, स्प्रिंग कहीं गुम ना हो, अच्छे से रखें ताकि पुनः हम उसे उसी स्थान पर लगा सकें। अभी हम इसको साफ़ करेंगे। देख पा रहे हैं हमने उसको निकाल लिया है। निकालने के बाद अभी हम इसको साफ़ करेंगे, या तो हमारे पास WD-40 हो उससे भी हम साफ़ कर सकते हैं। देख पा रहे हैं बहुत काला हो गया है, या तो ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो आप डालकर, या तो सरस कागज़ से घसकर, या फाइल से घसकर, किसी भी तरीके से आप इसको साफ़ करना है, हमें साफ़ कर सकते हैं। देख पा रहे हैं हमने सरस कागज़ से घिसाई कर रहा हूँ, अभी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। साफ़ हो जाने के बाद हमें इसको पुनः काफ़ी अच्छे से क्लीन करना है। दोस्तों, आप कमेंट भी कीजिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी या कैसा बनाना चाहिए। मुझे कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का, फिर भी एक प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों का मदद करने के लिए। ज़रूरतमंद जो भाई हमारे किसान हैं या घरेलू हैं, जो कि फोरमैन आता है, अच्छा चूतिया बना के जाता है, 500 रुपये 1000 मांगता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता। देख पा रहे हैं आप, अच्छे से इसको घिस कर साफ़ करना होता है और साफ़ कर लेना चाहिए, अपने से भी हो जाएगा। अभी हमने साफ़ कर रख करके पत्ती जो तीनों है, उसको पत्ती पुनः को बैठाना है, जो कि देख पा रहे हैं आप। अभी हमको पुनः उसी प्रकार से बैठाना है जिस तरह से हमने खोला हुआ था, ओपन किया था।
अभी इसको बैठा के पुनः हम ऊपर सेट करेंगे। देख पा रहे हैं अभी सेट हो चुका है, अभी स्प्रिंग बैठा रहे हैं। इसके ऊपर अभी हम कॉइल को लगाएंगे, स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग को चेक भी करना होता है कि बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग ज़्यादा टाइट होने की वजह से भी हमिंग करता है। अभी हम इसको सेट करेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग ऊपर देख पा रहे हैं हम कि कॉइल बैठाना है, जो कि हमारा कॉइल ये 220 वोल्ट पर वर्किंग करता है। इसी में सप्लाई जाते हैं, ये चुंबकीय चुंबक बनाता है जिससे हमारा कॉइल खींचता है, फिर हमारा कॉन्टेक्टर में स्पार्क उस पार सप्लाई होता है जिससे हमारा चालू हो जाता है मोटर। दोस्तों बहुत ही आसान है कॉन्टेक्टर को साफ़ करना, और कॉन्टेक्टर से ही आवाज़ आता है, दूसरा कोई कारण नहीं होता स्टार्टर में हमिंग करने का। कभी कभी आप ग्राहक के यहाँ विजिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ रहता है, जिससे ग्राहक भी परेशान रहता है कि इतना ज़्यादा आवाज़ कैसे है, बहुत उसको डर लगता है, चलाता नहीं मोटर। कभी कुछ ऐसा होता नहीं, यदि आपका मोटर चल रहा है तो आप चला सकते हैं। आपको जब भी मिस्त्री मिले आप उसको साफ सफाई करवा सकते हैं, या तो नहीं अगर साफ़ करने से भी नहीं आ रहा है, नहीं बंद हो रहा है, तो आपको नया डालना पड़ेगा, फिर आप पूरे कॉन्ट्रैक्टर को ही नया बदल दीजिए। देख पा रहे हैं अभी हम पीछे से सेट कर चुके हैं, अब हम इसको पत्तियों को साफ करेंगे। बारी बारी से सभी पत्तियों को साफ कर लेंगे, पुनः वहाँ सेट कर देंगे, क्योंकि कभी कभी डस्ट लगने के कारण इस पार कॉन्टिन्यूटी नहीं बना पाता। अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर पत्ती जो निकाला था वही फिर पुनः बैठाना है। देख पा रहे हैं दो